एक हेल्दी स्किन पाने के लिए स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। वैसे तो मार्केट में काफ़ी सारे स्किन मॉइस्चराइजर बॉडी लोशन अवेलेबल है, पर ये हमारे स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज नहीं कर पाते और इसमें जो केमिकल है लॉन्ग टर्म यूज से ये हमारे स्किन को भी डैमेज कर सकता है। अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चूज़ करते हो तो ये हमारे बजट से भी बाहर चला जाता है। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा बॉडी लोशन जो आप घर पे ही बिल्कुल आराम से अपने बजट में ही बना सकते हो। वीडियो को स्किप करके मत देखना, क्योंकि इसके हर एक बात में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसा टिप्स जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना। So let me introduce our hero rose water. The antioxidant properties of rose water helps to regenerate skin tissues and also helps to balance our pH level. तो मैं इसमें ले रही हूँ अराउंड 3 tablespoon rose water. इसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरोइन की, यानी कि ग्लिसरीन की। तो ग्लिसरीन बहुत ही जेंटल तरीके से स्किन फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। सिर्फ वही नहीं, हमारे स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट प्रोवाइड करने में पीछे नहीं हटती है। और इन दोनों की केमिस्ट्री सिर्फ हमारे स्किन को मॉइस्चराइज ही नहीं करती, बल्कि हमारे स्किन टेक्सचर को एक अलग ही लेवल पे लेके जाती है। और इसके बाद हमारे कहानी में एंट्री मारती है छोटू, यानी कि लेवेंडर एसेंशियल ऑयल। ये बस देखने में ही छोटू है, पर इसके काम बड़े बड़े हैं। हाँ, डार्क स्पॉट को लाइटन और रिंकल्स को रिड्यूस करने में काफ़ी इफेक्टिव है। मैं इसमें ले रही हूँ अराउंड 1 ड्रॉप। और इस सॉल्यूशन में रोज वाटर, ग्लिसरीन और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की रेशियो है 3:1:1। और इस सॉल्यूशन में जो ग्लिसरीन का रेशियो है वो अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। जनरली मैं ये समर के टाइम पे यूज़ करती हूँ। बहुत ही लाइट वेट है, तो ये आप ऑयली स्किन वाले इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। समर के टाइम पे आप लोग ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जहाँ पर हमारा हीरो है एलोवेरा जेल। अराउंड 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद एंट्री होती है हमारे हीरोइन कोकोनट ऑयल की, जो हीरो के इक्वल है, यानी कि 2 टेबलस्पून। सनबर्न को ट्रीट करके एक हेल्दी स्किन देने में ये दोनों फेमस है। एलोवेरा और कोकोनट ऑयल का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारे स्किन के ऊपर मैजिक की तरह काम करते हैं। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स का प्रॉब्लम है तो आप फ्रेश एलोवेरा और कोकोनट ऑयल को मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए और उसमें ऐड कर लीजिए 2 या 3 विटामिन ए कैप्सूल और इसको फ्रीज में स्टोर कर दीजिए। और डेली आप अपने स्ट्रेच मार्क के ऊपर अप्लाई करें, 30 डेज के बाद आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और ये सॉल्यूशन हमारे हेल्दी हेयर के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। आप अपना नॉर्मल हेयर ऑयल को स्किप करके इस सॉल्यूशन को यूज़ कर ही सकते हो। इसके बाद एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल को सॉल्यूशन में मैं ऐड कर रही हूँ रोज वाटर अराउंड 1 टेबलस्पून। और जहाँ पर रोज वाटर है वहाँ तो ग्लिसरीन आ ही जाएगी, तो ग्लिसरीन आ गई है अराउंड 1 टेबलस्पून। इसके बाद एंट्री होती है 2 छोटू सा विटामिन ई का कैप्सूल की, जो देखने में तो छोटू है पर इसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है वो भरपूर मात्रा में है, जो हमारे स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्लोइंग रखने में हेल्प करेगा। तो बस इन सबको मिला दो और बन गया हमारा बॉडी लोशन घर पे ही। ये सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज ही नहीं रखता, बल्कि स्किन के ओवरऑल टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है और साथ ही साथ स्किन टैन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप कोकोनट ऑयल को स्किप कर सकते हो या कोकोनट ऑयल की रेशियो जो है वो कम कर सकते हो। ये ना ही सिर्फ स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, बल्कि स्किन को स्मूथ और ग्लोइंग रखने में भी हेल्प करता है। इस बॉडी लोशन के आप वॉशरूम में स्टोर कर सकते हो और नहाने के बाद तुरंत इसको अप्लाई करो। आपको पूरे दिन में स्किन ड्राइनेस फील ही नहीं होगी, इसकी गारंटी मैं दे रही हूँ।